टीम इंडिया को रवि शास्त्री के रूप में अपना पुराना कोच फिर से मिल गया है। बीसीसीआई द्वारा बनाई गई क्रिकेट सलाहकार समिति ने बीते दिनों शास्त्री को इस पद के लिए प्रमुख दावेदार माना था। हालांकि समिति के तीनों सदस्यों कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगा स्वामी के कुछ फैसलों पर कुछ विरोध भी हुआ था, लेकिन ये विरोध भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब इस मामले में सीएससी के सदस्यों की एक गलती सामने आई है, जो जितनी छोटी है उतनी ही गंभीर भी। दरअसल टीम इंडिया के प्रमुख कोच के लिए कुछ 6 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें रवि शास्त्री को न्यूजीलैंड के माइक हैसन और ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी ने कड़ी टक्कर दी थी। खुद कपिल देव ने भी प्रेस वार्ता के दौरान माना था कि हैसन की प्रेजेंटेशन प्रभावशाली थी, इसलिए वह इस रेस में दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन अब यही समिति सदस्य माइक हैसन का नाम गलत लिखने के कारण विवादों में आ गए हैं। दरअसल कपिल देव की अध्यक्षता में बनी समिति ने एक प्रेस नोट के जरिए रवि शास्त्री के कोच बनने की घोषणा की थी। इस नोट में दूसरे नंबर पर माइक हैसन का नाम गलत लिखा गया था, यानी सीएससी सदस्यों ने माइक हैसन की जगह माइक हसन लिख दिया था। मामले संबंधित जैसे ही सोशल मीडिया पर बैठी क्रिकेट फैंस की भीड़ को भनक लगी, समिति सदस्यों का जमकर मजाक बनाया गया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जब माइक हैसन का नाम ही गलत लिखा गया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इंटरव्यू कितना मजाकिया रहा होगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।